मैं जी रिश्ते यार, हम लोग तो वेट करते हैं, जैसे ही नवंबर दिसंबर आना शुरू होता है हम लोग तो पूछना शुरू कर देते हैं कि जी रिश्ते कब होने वाला है, कब होने वाला है। बिकॉज ये एक साल का सब हमारे लिए, अब जी टीवी के लिए तो है ही, पर हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा दिन होता है एनुअली जो आता है। तो ऑलवेज एक्साइटेड एंड थर्ड ईयर इन अ रो रेड कार्पेट होस्ट कर रहा हूँ, सो आई फील प्रिविलेज एंड ऑसम। जी टीवी मस्त है और हम भी खुश हैं। सो या आई विश मैं उनकी परफॉर्मेंस देख पाऊँ। मैं जब सुबह इंटर कर रहा था मैं सब सारे पोस्टर्स देखता हुआ आ रहा था, और जब मुझे ऋषि और लक्ष्मी दिखे तो मेरे मुंह पे स्माइल आ गया, क्योंकि अपने लोग दिखते हैं तो खुशी तो होती है। तो आई विश कि मैं उनकी परफॉर्मेंस देख सकूँ, और जब अवार्ड्स हम लोगों को मिल रहे हो तो मैं वहाँ प्रेजेंट हो सकूँ। रेड कार्पेट थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और वहाँ पहुँच नहीं पाता मेन इवेंट तक मैं, बट आई होप कि मुझे अच्छे अच्छे अवार्ड्स देखने को मिले और एक आध मुझे भी दे दे तो मज़ा आएगा। अच्छा मैं आपसे पूछने वाला था कौन सा लुक, फिर मुझे याद आया लक्ष्मी का लुक मैंने लिया था। मैं भाग्य लक्ष्मी में तीन बार लक्ष्मी बन चुका हूँ यार, पर इस बार जो बना था वो काफ़ी फेमस हो गया, क्योंकि वो बेबी लक्ष्मी का लुक था तो वो काफ़ी फेमस हो गया। मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। सी आई एम इन द शो टू एंटरटेन पीपल एंड एज फार एज आई कैन एंटरटेन, मैं जो मर्जी बन के एंटरटेन कर सकूँ। मैं जोकर बनने को बोलोगे मैं जोकर बन के एंटरटेन कर दूंगा। आई लव टू सी पीपल लाफिंग, मुझे मज़ा आता है लोगों को हंसाने में। मैं हंसता खेलता इंसान हूँ, भगवान ऐसे ही रखे हमेशा, और लोगों को हंसाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मुझे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े मैं खुशी रहता हूँ। अगर लक्ष्मी का लुक लेना पड़े तो वाई नॉट, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी। एनीथिंग फॉर भाग्य लक्ष्मी एंड एनीथिंग फॉर जी टी वी। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस अली? हमारे शो का थीम है ब्लू, सो व्हिच इज व्हाई वी आर इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। आप ब्लू में बहुत अच्छे दिखते हो। थैंक यू, जानबूझ के बोला ना आपने ये। नहीं, थैंक यू सो मच। समथिंग अबाउट जी रिश्ते अवार्ड, एनी मेमोरीज? So honestly, this is my first ZRA, so I'm very excited and I've heard a lot about it and yeah, looking forward to experience the awards. I'm sure it's going to be a blast. It's my second Zee Rishte se purana rishta, yahan pe maine pehli baar perform kiya tha. So I'm really excited to go in and support everybody. और यस, मेरा भी सेकेंड है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस बार मेरी कुमकुम भाग्य फैमिली है। लेट्स सी क्या होता है। सारे इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हाँ, सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितने आए आए। परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे 10 साल हो गए, इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली 10 ईयर्स नाउ। 2014 वॉज माई फर्स्ट टाइम विद जी रिश्ते। मतलब आई ऑलवेज इन्जॉय कमिंग है, मुझे बहुत मज़ा आता है सबसे मिलके और सारे परफॉर्मेंसेस देख के। इट्स ऑलवेज अ पार्टी, बड़ा मज़ा आता है। मीटिंग एवरीवन, सबसे मिलना। हमें तो वैसे बहुत पसंद है क्योंकि हमारा शो है, बट माय ओपिनियन डजंट मैटर। नहीं नहीं, थैंक यू, वी आर सो ग्रेटफुल कि लोगों को शो पसंद आ रहा है। हम और मेहनत करेंगे कि ये पसंद जो है वो बनी रहे, कंसिस्टेंट रहे प्यार। हम अलग होंगे फिर ही तो मिल पाएंगे ना, इसलिए हमारा अभी अलग होना तो थोड़ा स्टोरी के लिए ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी मतलब
यार मैंने तो एक्टिंग सिर्फ टीवी पे की है, तो उस हिसाब से तो मैं टीवी एक्टर ही हूँ, तो ऐसा मेरे मन में कोई वाद विवाद है नहीं। टेलीविजन एक्टर एंड प्राउड टू बी वन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्साइटमेंट तो होती है जी रिश्ते अवार्ड से। फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस अवार्ड फंक्शन और आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली मैं जी का शो कर रही हूँ, तो यस काफ़ी दिन से मेरा प्लानिंग चल रहा था कि क्या पहनना है, और हमारी फैमिली के लिए ब्लैक कलर बोल दिया गया था, तो मैं अपने डिज़ाइनर से बोल रही थी कि कुछ अच्छा शिमरी एंड येट ग्रेसफुल होना चाहिए फॉर मी। शी वाज़ आस्किंग गाउन पहनना, ये पहनना, वो पहनना। आई सेड नो नो, आई वुड लाइक टू वेयर सम नाइस इंडो वेस्टर्न साड़ी टाइप्स। सो या दिस इज़ अ लुक दैट आई गॉट, माई कॉन्सेप्ट वॉज दिस ओनली एंड आई एम देयर। हाँ, नर्वसनेस तो ये स्टेज पर जाने से पहले होती है, अभी तो एक्साइटमेंट है कि वाओ आई एम गोइंग टू परफॉर्म टुडे, बट डेफिनेटली जब ऐसे स्टेज के एंट्री होने जाती है तो हम लोग ज़रा बटरफ्लाई जाते हैं कि अब जाना है, एंड आई होप ऑल द स्टेप्स कम ऑन मार्क एंड ऑल दैट स्टफ। वेल कैसे मुझे तुम मिल गए, डेवन से बहुत पसंद किया जा रहा है, बिकॉज आई गो थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड ऑल दैट, तो अच्छे कमेंट्स ही आते हैं, फैंस आर लविंग इट, एंड यस माई कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट। बबीता आहूजा का कैरेक्टर कर रही हूँ मैं उसमें, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मेरे पहले शो में भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रही थी मैं, जिससे मुझे बहुत प्यार मिला था, अभी ये कैरेक्टर है, तो आई एम होपिंग दैट दिस कैरेक्टर गोज ऑन एंटरटेनिंग एवरी वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है और मैं जी की फैमिली में एंटर करने जा रही हूँ, सब बाकी की फैमिली से मिलने वाली हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शो नॉमिनेटेड है दुआ और हैदर है, तो मैं तो बस रूट कर रही हूँ कि हम सब अवार्ड्स लेके जाए, बिकॉज इतनी मेहनत से एक डेढ़ इतने सालों से शो चल रहा है और आई थिंक उसका रिजल्ट अभी मिलने को तैयार है। मैं तो आज सबको चेयर अप करने आई हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं सबको देखूँगी पहले। तो हमारे सुभान जो हैं, करण सर जैसे कि आपने कहा, वो परफॉर्म करने वाले हैं, और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लकीली बहुत प्यारा फीडबैक आया है अब तक प्रोमो को, और जो दूसरा प्रोमो हमारा कल या आज ही रिलीज़ हुआ है, तो फैंस हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं शो को देखने के लिए, और जो भी हमने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है उसे फैंस बहुत सपोर्टिव वे में लेके हमें मोटिवेट ही कर रहे हैं अभी तक, तो एंड टचवुड ऐसा ही रहे और शो बहुत अच्छा लगे सबको। थैंक यू। एक्साइटमेंट है, काफ़ी कुछ फन प्लान किया है मेन इवेंट के लिए भी, रेड कार्पेट के लिए भी, एंड आई एम होस्टिंग द रेड कार्पेट, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कुछ तो धमाकेदारी करने वाले आज। फुल ऑन मस्ती, कॉमेडी, गेम्स, चैलेंजेस और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे आप पूछ रहे हो अभी, तो बहुत कुछ करने वाले हैं।
थैंक यू सो मच. तो आई एम लकी कि आई गेट टू वेयर टू आउटफिट्स टुडे फॉर द रेड कार्पेट एंड द मेन इवेंट. तो मेन इवेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारे शोज की फैमिलीज एक कलर में ड्रेसअप होगी. तो हमारे शो का कलर येलो है एंड बहुत ही प्यारा आउटफिट है वो. और ये आउटफिट भी एक अलग आउटफिट है, इंडो वेस्टर्न सारी है, बट इट्स हॉट एंड सेक्सी. आई एम रियली नाइस एक्साइटेड फॉर इट. थैंक यू. हाय, कैसे हो? जी जी, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ श्रुति के साथ. वी आर डूइंग अ रोमांटिक एक्ट एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है. मेरे आउटफिट के बारे में, हमारे शो का थीम ब्लैक है एंड मेरा आउटफिट मेरी स्टाइलिस्ट साची ने स्टाइल किया है मुझे एंड बहुत ही कूल है. आई रियली लाइक दिस प्रिंट. सो या, दैट्स इट. नाराज़ हैं? नहीं यार, अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी इतनी जल्दी तो साथ नहीं हो सकते. बट उनको काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे एंड काफ़ी काफ़ी मज़ा आएगा. गाने का नाम है पसूरी एंड मेरी जान फ्रॉम गंगू भाई. दोनों का एक मिक्स है, रीमिक्स है एंड काफ़ी कूल गाना है, बहुत ही कूल ट्रैक है. बहुत मज़ा आया हमें रिहर्सल्स एंड ऑल में भी. सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट गाइस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. डन, थैंक यू. हम ये कलर बहुत पसंद करें और इसलिए करें क्योंकि हम सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. एंड मरून, मरून इवोक्स स्पिरिचुअलिटी एंड सेंटीमेंट. सो आवर शो इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी. एंड ब्लैक कलर के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मस्ती ज़्यादा होती है, प्रैंक पहले होता था, अब हम बस हंसते रहते हैं और इट्स मोर इन द एंजॉयबल स्पेस. और जब सब लोग एक वेवलेंथ के हो तो प्रैंक्स, मस्ती मस्ती प्रैंक्स चलते रहते हैं. मैंने अपने हर एक इंटरव्यू में कहा है कि इनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया है और इतना कह दिया कि अब मेरे पास शायद मुझे सेंटेंस कैसे बनाऊं, कैसे अच्छे से बनाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है. पर हाँ, अगर मैं बताऊं कि इन्होंने मेरे साथ कुछ प्रैंक किया या मुझे कभी कुछ ऐसे मस्ती किए तो मैं बता सकती हूँ. मैं एक बार टचअप कर रही थी और इन्होंने पता नहीं कहाँ से कोई एक स्पाइडर लाया, मेरे शोल्डर पे रख दिया और फिर ऑफकोर्स देख कर और सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर देख कर तो जो रिएक्शन होगा आप सबको पता ही है. वो तो आप सब बताएंगे, हमने तो हमारा काम किया है. स्वीप, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है. थोड़ा जोर से बोल ले, सुन लेंगे. तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब अच्छे दोस्त हैं. तो जो भी बेस्ट जोड़ी जीते, इट विल बी डिजर्विंग एंड इवेंचुअली इट हैज टू गो टू समवन. तो हम 6-7 शो में से किसी एक को तो मिलना ही है, तो जिसे भी मिले आई एम श्योर दे विल बी डिजर्विंग. ये
इट्स आर ऑल इन पार्सल ऑफ द होल कुटुंब. सो कुटुंब में से किसी को भी मिले, आई थिंक एवरीबॉडी इज हैप्पी फॉर एवरीवन. बेस्ट जोड़ी यू नेवर नो. फादर इज सर. एब्सोल्युटली यस. फादर इज सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आपको मिलेगा वो बालकनी. ओ बचपन में होते थे ना बालकनी वाली. गाइस प्लीज इधर करें, वो लेके आएंगे उनको. थैंक यू. डबल धमाका है ना, तो डबल खुशी है. आई थिंक इट्स लाइक टू फोल्ड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी. प्रोमो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो हम चाहेंगे कि शो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दें. लाइक टू 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 मच लव. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हर एक परफॉर्मेंस के लिए. जी रिश्ते अवार्ड्स के हर रिश्तेदारों के परफॉर्मेंस के लिए सुपर एक्साइटेड. मैंने अभी बोला कि ये तो मतलब इट्स लाइक गो ग्रीन. आज मैं वही गा रही हूँ सबसे कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला. आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो रब से है दुआ, आपसे है दुआ कि प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए. मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम. ये बहुत बोलता है ना. हम भी बोलते हैं. नहीं और बाकी सब बढ़िया है. ये चलो आ जाओ. जरूरी है. जरूरी है. मिलना ही चाहिए. अरे जानकारी ऐसी मुझे मिली है. बताना चाहिए बेस्ट जोड़ी के लिए आप लोग नॉमिनेट. देखो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड आई होप कि हम यही चाहेंगे कि बेस्ट जोड़ी का अवार्ड हम दोनों को ही मिले. बिकॉज आई एम श्योर पीपल लव आर केमिस्ट्री इन द शो. रश्मि फैंस बहुत सारे हैं एंड दे लव आर केमिस्ट्री. सो आई होप कि हमें ही मिले. रील बनाते हैं. ऑफ कोर्स. हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि बेस्ट जोड़ी का हम लोग 2 साल से तरस रहे हैं दोनों लोग इस अवार्ड के लिए. मैं तरस रही हूँ. मेरे लिए ये बहुत स्पेशल अवार्ड है हमारी बेस्ट जोड़ी का. मेल और फीमेल तो मिल गया है, अब इस बार तो बेस्ट जोड़ी मिलना ही चाहिए. और ऑफ कोर्स मिलेगा. यस रश्मि रॉक्स. एक्चुअली मैंने बच्चों के साथ बहुत कम काम किया है, तो चैलेंजिंग उस वे में थोड़ा सा है कि उनके साथ पहली बार इतना एवरीडे उन्हीं के साथ सारे सीन्स होते हैं मोस्टली, तो बच्चों के साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है. बट मज़ा बहुत आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है. तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. ये खुद बच्चा है तो हाँ, दो बच्चे साथ में आपस में संभाल रहे हैं दूसरे. ये खुद ही पूरा दिन सेट पे इतना मस्ती करते रहता है कि आई डोंट थिंक इट्स चैलेंजिंग फॉर यू. नहीं इट्स नॉट. मजा आ रहा है इनफैक्ट. धन्यवाद. थैंक यू. बहुत ज्यादा खुश हैं पूरे घर वाले.
बस यार तू तो रेट बढ़ा रहा है यार। हाँ मतलब अच्छा है, भगवान दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। हाँ यार ऑफ कोर्स भाग्यलक्ष्मी हैज रियली चेंज्ड आवर लाइव्स। ऑफ कोर्स वी लव देम एंड दे लव अस एंड हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और उन्हें एंटरटेन करते रहेंगे एंड आई होप हम जो भी काम करें नॉट जस्ट भाग्यलक्ष्मी इन द फ्यूचर ऑल्सो दे'ल ऑलवेज गिव देयर लव बैक। ज़ी रिश्ते के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला ज़ी रिश्ते अवार्ड्स का मेरी नाइट है और पहली बार मैं ZRA अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ज़ी के साथ बॉन्डिंग मेरी इतनी अच्छी हो गई है कि आई एम जस्ट लविंग एवरीथिंग अबाउट ज़ी एंड आई एम लविंग एवरीथिंग अबाउट कुंडली भाग्य फैमिली। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस नाइट, लाइक आई एम सुपर एक्साइटेड टू एन्जॉय दिस नाइट विद ऑल ऑफ माई पीपल फ्रॉम कुंडली भाग्य। I'm really very, very glad that people are loving Palveer, people are loving the new generation of Kundli Bhagya. Itna zyada pyar mil raha hai uski wajah se, hume aur zyada motivation milti hai to do better. Aur kahin na kahin mera jo character hai, woh bhi ek roller coaster ki tarah chal raha hai and people are loving that. So I'm really very happy about it. That's right. पीपल आर एक्चुअली लविंग द ट्रैक जो अभी प्रेजेंट ट्रैक चल रहा है पलवीर का, जो सना का और मेरा चल रहा है, एंड ऑनेस्टली जो मेरा और मेरी मॉम का, जो प्रीता और मेरा भी जो ट्रैक चल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कुछ फीडबैक्स भी आ रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि अब करण और प्रीता को मिल जाना चाहिए, प्रीता की याददाश्त वापस आ जानी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा वक्त है क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर एक्साइटमेंट कैसी रहेगी। सो लेट्स वेट फॉर इट एंड तब तक आप एन्जॉय करते रहिए शो। जो वो सॉन्ग है जो आपका फेवरेट कह सकता हूँ, तेरे प्यार में फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार, तो मैं उसमें परफॉर्म करने वाला हूँ एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बहुत ज़्यादा होती है, मैं उन्हें परेशान करता रहता हूँ, उन्हें छेड़ता रहता हूँ, प्रैंक्स प्ले करता रहता हूँ, सो हमारे बीच में वो बैंटर चलता रहता है एंड आई एम रियली लविंग द बॉन्ड आई एम क्रिएटिंग विद श्रद्धा। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. So, I'm wearing a white saree और I think white इतना प्यारा कलर होता है कि उसमें हर कोई बहुत सुंदर लगता है, बट ऑफ कोर्स सिंपल में भी थोड़ा मलिश का टच आना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग की है एंड साड़ी ऑब्वियसली लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर साड़ी में ही लगती है, तो आई ट्राइड टू लुक दैट वे। शुक्रिया, थैंक्स लॉट। ज़ी रिश्ते अवार्ड्स तो मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, बिकॉज ज़ी ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एंड ज़ी रिश्ते अवार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब एक साथ मिलके इंजॉय करते हैं और पूरा फंक्शन अटेंड करते हैं, सो दिस इज़ ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल फॉर अस। जी हम एक्चुअली उसको तो मैं बहुत मारती हूँ, वो काम भी तो ऐसे ही करता है। और रही बात मस्ती की, तो मैं रोहित ऐश्वर्या हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और आई थिंक आपको उतना आप देख भी नहीं पाते हम लोग इतनी मस्ती करते हैं। सो जैसे कि आपने वो वर्ड यूज़ किया लीप, तो मतलब आप ऑलरेडी अपने कैरेक्टर से लीप ले चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। तो मलिश्का जो कैरेक्टर है, मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ
कि ये जानने के लिए कि क्या चेंज आएगा मलिष्का में, क्योंकि 7 साल हो गए हैं, हर कोई बदल जाता है। Oh yeah, this costume is designed by my designer from Delhi. His name is Amit Dhawan. He's got a brand called Kashmir. So this is basically an eagle printed on my black coat. That's about it. Performance ho chuki hai. Haan, वैसे होने वाली है. मैं चलिया एक song है जवान से, उस पर मैंने perform किया. करूँगा. Shit. ऑफकोर्स यार, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर स्टेप्स विच आर यू नो डिज़ाइंड बाय द कोरियोग्राफर, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. टुक अस लाइक अराउंड लाइक 7 to 8 days फॉर द होल कोरियोग्राफी टू लर्न. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला ज़ीरिश्ते अवार्ड है, तो रियली एक्साइटेड बीइंग हियर. और इतने सारे खूबसूरत और टैलेंटेड लोग यहाँ आए हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ सबके साथ मिला मैं और कंपटीशन है उनके साथ, आज नॉमिनेशन भी है और बहुत एक्साइटेड है अवार्ड जीतने के लिए. सो या रियली एक्साइटेड. जी जी जी, आई थिंक एज एन एक्टर बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए. इतने रोल्स प्ले करने का मौका मिला और अब ये रोल प्ले कर रहा हूँ. ये भी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, इसके बहुत सारे शेड्स हैं, तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. So, टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर. मैंने कभी सोचा नहीं था, बट इट वॉज ऑल रिटन एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड. और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आई एम स्टैंडिंग हियर विद जी टी वी. एंड ट्रू ट्रू, ये मेरी नेक्स्ट लाइन थी. अच्छा, ओके. इन ज़ेडारे एंड या आई एम रियली रियली हैप्पी. हाँ यार, ऐसा तो बहुत आता है. आई थिंक एवरी अदर डे आई फेस दिस इशू कि मुझे सब कहते हैं कि यार वही आपकी जोड़ी अच्छी थी, ये नेक्स्ट. बट धीरे धीरे फिर लोग नई जोड़ी को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनको नई जोड़ी से भी प्यार हो जाता है. थोड़ा वक्त लगता है बट फिर हो जाता है. शो में तो तुम बताओ क्या क्या आने वाला है. आई थिंक बहुत कुछ आने वाला है. लाइक आई थिंक जो हमारा फर्स्ट प्रोमो आया था उसी पे अब स्टोरी वर्क करी है. और इट्स शॉक फॉर ऑडियंस कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं. बट आई थिंक खासकर जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है. कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि मेरा अगला मूव क्या हो. जी, हमारी परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ एक्टिविटीज है और हमारे जो मॉम डैड है वो परफॉर्म करने वाले हैं, तो होपफुली हम उनको ज्वाइन करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे उनके साथ. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय हाय, गुड इवनिंग, टेल मी. कोई अगर ऐसी मेमोरीज पिक करनी हो तो काफ़ी दिल की करीब हमेशा रहती है.
आई थिंक ऑल द जी रिश्ते अवार्ड्स मैं और ये बात मैं इस मंच पे कहना चाहता हूँ कि इट्स सो गुड टू बी बैक टू जी. मुझे लगता है कि मैं एक छोटे से वेकेशन पे गया था और छोटे से वेकेशन के बाद घर वापस आ गया हूँ. जी मेरा घर है एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड टू बी बैक टू माई फैमिली. सबसे मिल रहा हूँ, सब जाने पहचाने चेहरे हैं, सबसे मिल रहा हूँ एंड दैट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस. इतना अच्छा लगता है सबसे मिलके, वही फैमिली है, वही लोग हैं, सब कुछ एंड वापस आके तो आई मीन एंड जी रिश्ते अवार्ड्स जितने भी मैंने परफॉर्मेंसेस किए हैं पहले आई थिंक मैंने 3-4 बार लाइव परफॉर्मेंस भी किया जी रिश्ते अवार्ड्स में एंड इट वॉज ग्रेट. आई मीन अब की बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऑन शाहिद कपूर सॉन्ग विच इज़ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. इट्स अ लेटेस्ट सॉन्ग. लास्ट ईयर भी मैंने शाहिद के एक सॉन्ग पे डांस किया था विच इज़ गंदी बात और इस साल मैं शाहिद के गाने पे अगेन डांस कर रहा हूँ. आई टेक इट एज अ फीडबैक. मैं ज़रूर नेक्स्ट जितने भी कोई परफॉर्मेंस होगा मैं उनको बोलूँगा ये बात कि मैं रणवीर सिंह के गाने पे डांस करना चाहता हूँ. So Tatlubaz did so well numbers wise and we are coming up with the second season of Tatlubaz super soon. The talks are on and I'm doing another project on OTT. I cannot say much about it right now but ho raha hai. The process has started, the doors have opened, so abhi aap dekhenge mujhe. इट्स अ स्पेशल डे फॉर मी. आई मीन मैं जी रिश्ते अवार्ड्स में यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा हूँगा और मेरा शो स्टार्ट हो रहा है आज 10:30 बजे से, तब से है दुआ. सो इट्स अ स्पेशल डे फॉर मी. आई एम सुपर हैप्पी. येस देर इज़ अ मैसेज फॉर द सोसाइटी इन द शो. और जो मेरा किरदार है सुभान सिद्दीकी, वो मैंने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है. जब आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ. शो इस किरदार के दो साइड हैं, एक जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, बिजनेस टाइकून है, लेकिन दूसरा साइड उसका वो है ही इज़ अ सीक्रेट सुपर स्टार, ही इज़ अ रॉक स्टार. सो आई थिंक उस किरदार में, उस स्पेस में रहना एज एन एक्टर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. डन डन. थैंक यू. काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड है एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग. थैंक यू सो मच. कहते हैं जब आप सही जगह पर होते हो तो आपको टाइम कब निकल जाता है उसका पता नहीं चलता है. आई रियली फील लाइक हमने कल परसों ये शूट स्टार्ट किया था एंड इट्स ऑलरेडी बिन अ ईयर एंड इट फील्स ग्रेट. इट ऑलरेडी फील्स लाइक अ फैमिली. I am really grateful for the viewers for accepting our pair and अच्छा ही लगता है जब लोग आपसे प्यार करते हैं. it's a great feeling. Yes. I think our show Kundli Bhagye is number one because of the twists and turns that it has and बहुत 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 सारे twists and turns. Actually हमारे कहानी कम twists and turns ज़्यादा होती है. Thank you. This is my friend Meera Godbole has styled me. So this is an outfit by her. And aaj ke event ke liye hamari family ka theme tha purple. And that's why I'm in this purple dress. Nahi, mera Paris ka dance performance nahi, but Paris ka solo hai and I hope you all like it.
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। चुप बैठा थक गया शायद। उन्होंने 300 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस शो के लिए मैं क्या कहूँ, आई एम जस्ट सो इंडेटेड एंड सो ग्रेटफुल के दिस हैपेंड टू मी। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो, लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज, कुंडली भाग्य, जिसे इतना प्यार मिला है। और जी रिश्ते अवार्ड्स इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट अवार्ड्स टू माई हार्ट, तो इट्स अ स्पेशल डे। So I really like the color purple, but I was not able to find something in the dark purple, so I went with light purplish lavender, so I think it's nice. Look. I think the point every time I dress up is to make people envy. So if they are jealous, I don't think anyone is jealous here. Zee बहुत ही एक amicable और एक दूसरे से प्यार करने वाला परिवार है, वो खुश होते हैं एक दूसरे के लिए, मैं भी सबके लिए खुश होती हूँ। तो इफ़ आई लुक नाइस, आई एम श्योर माई होल ग्रुप इज़ वेरी हैप्पी फॉर मी। और थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल होने वाला है डांस परफॉर्मेंस, क्यों नहीं होगा, इट्स जी रिश्ते अवार्ड्स, हाउ कैन आई नॉट परफॉर्म। अरे चुप कर। I don't know, abhi it's not started. हाँ तो कल नहीं था, कल भी मैं यहाँ आई थी and I also went to दादा साहेब फाल्के। Why were you not there? मैं जी परिवार के साथ, ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ।
मैंने वैम्प का एक्ट भी किया है जो आप देख पाएंगे सून, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि आज रात बहुत ही स्टार स्टडेड एंड बहुत ही एक्साइटिंग हो। थैंक यू। ये आउटफिट एक्चुअली एक मतलब मेरे किसी स्टाइलिस्ट ने देव गॉट इट फॉर मी, देव सोर्स्ड इट फॉर मी फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ज़ेहे। इट्स अ सूरत बेस्ड ब्रांड एंड इट्स अ होम ग्रोन ब्रांड, और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो अपकमिंग होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, मैं उनके साथ इनफैक्ट बहुत टाइम पहले से उनके साथ जुड़ी हूँ। बाकी माय हेयर माय मेकअप इज़ डन बाय माय डियरेस्ट फ्रेंड श्रुति, एंड यस आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड माय आउटफिट। और हमारा थीम ब्लैक है हमारे शो का, तो यस। नहीं, मैं विराट की सिस्टर नहीं प्ले कर रही। मैं वैम्प प्ले कर रही हूँ। अगर आप शो देखें तो आपको पता चलेगा कि सारा जो विराट और अमृता की लाइफ का के प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से है। उनके साथ उनके लाइफ में प्रॉब्लम, एक्चुअली मैं उसके लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ अमृता की वजह से क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे विराट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमृता से प्रॉब्लम है। तो अब एक तीर से दो निशाने लग जाए तो फिर आई कांट हेल्प इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब जी रिश्ते अवार्ड्स के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि जब भी ये होता है हर साल, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद जी, तो मेरे लिए एक फैमिली फंक्शन से कम नहीं होता है। तो इट्स लाइक अ होम इनविटेशन जैसे होता है, तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू कम फॉर जी रिश्ते अवार्ड्स। और मज़ा आता है वो माहौल देख के, वो पुराने लोग मिलते हैं और वही पुरानी बातें साथ फेरे वाले ये सब निकलती हैं, तो अच्छा लगता है आने में। टेलीविज़न मुझे लगता है वर्क वाइज थोड़ा डिसिप्लिन हो गया है, बट आई थिंक स्टिल कंटेंट में थोड़ा सा वही चल रहा है। हाँ, इमोशनल होती हूँ क्योंकि माई जर्नी स्टार्टेड विथ साथ फेरे, तो जब यहाँ आती हूँ तो वो सारी यादें ताज़ा होती है एंड तो थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। प्रोजेक्ट वाइज देर आर कपल ऑफ थिंग्स, बट नथिंग इज़ फाइनलाइज्ड येट एंड नाउ राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई डॉटर हु इज़ 6 years old नाउ, और बस उसी में चल रहा है। सो व्हेनेवर न्यू विल कम अप डेफिनेटली विल नो। कम बैक वाला कोई सबैटिकल गैप है नहीं एक्चुअली, बिकॉज माय लास्ट सीरियल विच वाज ऑन अदर चैनल अपनापन, तो वो अभी नवंबर में ख़त्म हो गई, तो इट इज़ नॉट अ कम बैक एज इन आई एम स्टिल देयर, तो कोई आई एम स्टिल देयर, सो देयर इज अगर कोई होता है तो कम बैक नहीं होता है, आई एम हियर ओनली, फिलहाल नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी रिश्ते अवार्ड्स हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब रहा है, बिकॉज हम लोग ने जी के साथ अपना करियर शुरू किया, और एनी टाइम कोई भी सेलिब्रेशन होती है जी के लिए तो वहाँ लाइक अ फैमिली मेम्बर हमको हमेशा आने को अच्छा लगता है, इट्स फैंटास्टिक।
बहुत ज़्यादा। जब हम लोग ने शुरुआत की थी तो टीवी में एक हफ्ते में एक एपिसोड होता था, ओके आज एवरी डे एक एपिसोड होता है, ओके तभी हमारे पास टाइम था फॉर क्रिएट स्क्रिप्ट, डायरेक्टर ध्यान देता था, एडिटिंग पे ध्यान होता, आजकल एवरी नाउ कॉन्सेंट्रेशन इज कि हम लोग टेलीकास्ट निकाल सकेंगे कि नहीं, सो बहुत सारा चेंजेस है। तब का टाइम वॉज फैंटास्टिक, आज इन लोग कैसे करते हैं इट्स हैट्स ऑफ। सॉरी जी, फैंटास्टिक है। अभी देखो कितना वाइड रेंज हो गया हमारे लिए टू वर्क टुडे, कि हर एक जगह वेदर इट्स फिल्म और ओटीटी और वेदर टेलीविजन, हर एक जगह किसी के लिए कुछ ना तो कुछ एक छोटी सी जगह है। क्यों नहीं आ सकता, हम लोग वैसे भी क्या बोलते हैं, हर एक शो का एक एक सीज़न होता है, स्पेशली अगर वो हिट रहा हो तो, और हम पांच तो हिट नहीं सुपर डुपर हिट था अपने टाइम पे। आज भी लोग मेरे को जो देखता है मेरे को बोलता है कि हमने आपका शो देखा है एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स आ सकता है कि 20 साल के बाद ये कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किसकी शादी हुई, कौन उनके बच्चों की शादी हुई, क्या हुआ, कौन आज भी इतना पागल है, तो एंड सेकेंडली आज के डेट में कॉमेडी सीरियल की ज़रूरत है, बिकॉज इतना परेशानी हो गई है इस दुनिया में कि हम लोग को लोगों को हंसाना वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे कॉमेडी आएगा आई थिंक वो सुपर हिट हो जाएगा, बिकॉज पीपल आर वेटिंग टू लाफ, उन लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग को एक हंसने का मौका मिले, थोड़ा सा ब्रेन स्विच ऑफ करने का मौका मिले, थोड़ा सा रिलैक्स होके फैमिली के साथ इंजॉय करने का मौका मिले। माई प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।